हाय एवरीवन, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके बावन। प्लीज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। ये देखिए, आज मैं आया हूँ नया साइट पे। ये जो साइट है ये देखिए, ये नया साइट है मेरा और यहाँ पे मैं तंग आ गया हूँ क्योंकि एक एक सरिया है। देखिए, चार सरिया लेके जाना है। और ये जो साइड है, पुराना मेरा साइड है, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये बहुत ख़राब साइड है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिन भर काम करना पड़ता है। काम नहीं रहता तो एक एक सरिया लेके आपको उन लोग के पास देना रहता है। ये जो काम हो रहा है ये स्टील फिक्सर वाला के लिए बहुत मुश्किल वाला काम है, ठीक है। स्टील फिक्सर वाला के लिए बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि इसके अंदर सरिया पे सरिया घुसा के काम करना है। हदीद, चारों साइड हदीद डालना है और वो भी क्रेन से उठा कर डालना है। इसमें कटिंग से ज्वाइंट नहीं कर सकते। जो आप देख रहे हैं ना, ये सरिया मैं रख रहा हूँ, ये जो बना रहे हैं ये कालम टाइप का है, ये बेंड वाला कालम टाइप का है, एल टाइप का कालम है, मगर इसमें चारों साइड से सरिया घुसाना और सरिया कटिंग करके ज्वाइंट नहीं कर सकते। सरिया कम से कम 20 फीट 25 फीट लंबा है। ये जो ये दिख रहा है ना, इस ये जो ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सारा सरिया कटिंग करके नहीं घुसा सकता है। इसको घुसाने के लिए पूरा 20 फीट लंबा पूरा सारा सरिया जो भी है इसको सरिया को अंदर डालना है। ये देखिए, ये सरिया जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं बाजू में बहुत सारा धूप है। ये देखिए मेरा रिजर है, ये काम कर रहा हूँ मैं, ये बराबर रखा हुआ है और ये लोग बता रहा है किधर से क्या काम करना है। देख लीजिए, देखिए ये लोग बता रहा है। ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। स्टील फिक्सर वाले के लोग का तो पसीना निकाल देता। स्टील फिक्सर का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जैसे यल टाइप का हो गया, क्योंकि यहाँ पे सरिया नहीं काटते हैं। एक बात याद रखना, सरिया काट के ज्वाइंट नहीं करते, डायरेक्ट सरिया ये जो कालम खड़ा है ना इसके अंदर से नीचे यल टाइप का ला के, जैसे सीढ़ी टाइप का नहीं होता है, सीढ़ी टाइप का सेम ला के पूरा सरिया अंदर डाल के उसको ज्वाइंट करना है। देखिए अभी सेंटरिंग ये लोग कर दिया, जो काम हो चुका है उसका सेंटरिंग कर दिए ये लोग, और जो नहीं हुआ है उसको सरिया। ये बहुत मुश्किल वाला काम है मेरे भाई। ये जब से ये साइड पे आया हूँ एक मिनट आराम करने को नहीं देता है। ये देखिए, ये एक इधर बता रहा है, एक उधर बता रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास एक एक सरिया मेरे को देना पड़ता है। क्रेन से एक एक सरिया उठा के देता हूँ, ठीक है, फिर ये लोग अंदर डालता है, फिर ये लोग काम करता है। बहुत मुश्किल से ये साइड मेरा पुराना साइड है, ठीक है। ये देखिए, ये पुराना साइड है, नीचे पूरा स्काई फोल्डिंग वाले हैं, स्काई फोल्डिंग लगा के। देखिए कलम दिख रहा है ना आप लोग को, सारा का सारा ये बहुत मुश्किल वाला काम मेरे को मिल जाता है। ये पुराना साइड है मेरा, पहले इधर ही मैं काम करता था और लगभग फिर इसी साइड पे भेज दिया। इससे पहले दूसरे साइड में था, गड्ढे में था, वहाँ पे ठीक ठाक था, मगर ये वाला साइड तो मेरे को थोड़ा भी नहीं जमता है क्योंकि ये एक एक 10 घंटा मेरा ड्यूटी है। 10 घंटा में 1 मिनट भी क्रेन खड़ा नहीं होने देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इधर से उठाया उधर रखेगा, उधर से 2 सरिया उठा के इन लोग को देगा, फिर ये लोग अंदर घुसाएगा, उसको ज्वाइंट नहीं कर काट के। यहाँ पे इंजीनियर का बोलता है काट के इसको अंदर, जिस हिसाब से ड्राइंग आता है लोग काम करता होगा अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कम से कम मैं नेस्टो गया था तो ये 2-2 किलो का 2.5 किलो का आम दिखा, मगर कोई काम का आम नहीं है। ये 12 रुपये के जी है, 12000 के जी है, मगर ये देखिए 2-2 किलो 2.5 किलो का आम है ये जो दिख रहा है, मगर ये कोई काम का नहीं है, थोड़ा भी मीठा नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा आम है। ये देखिए, मैं दूसरे साइड पे जब गया था वहाँ पे ये लगभग 50-60 फीट लंबा एक स्ट्रक्चर रखना था मेरे को। ये देखिए 50-60 फीट लंबा एक स्ट्रक्चर रखा, उसके बाद फिर इधर मेरे को बुला लिए, यहाँ पे आके बहुत मुश्किल हुए। वो पीछे वाला जो बता रहा था वीडियो स्टील वाला, वो बहुत ख़राब है। ये देखिए, ये रखा एक पीस, ये देखिए ऊपर लेके आ रहा हूँ, एक पीस रख लिया। ये देखिए, ये कितना लंबा, 50 फीट के ऊपर है ये 50 फीट के ऊपर मैं रखना था, इसको रख दिया मैं, फिर नए से इधर पुराने वाले साइड पे मेरे को भेज दिया। देखिए ये उठा रहा हूँ, ये उठा के ये बिल्डिंग पे से वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, काम देखना चाहते सब्सक्राइब करके रखिए।